प्राइम न्यूज आपके साथ मैं हूं शशिप्रिया, हाजिर हूं ताजा अपडेट्स के साथ और बात करेंगे चुनावी मैदान की। जी हां, चुनावी मैदान में सभी अपना अपना दमखम लगा रहे हैं, चाहे वो बात राजनेता की हो, बात किसी अन्य दलों की हो, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं सभी अपना अपना दमखम लगा रहे हैं। कोई अपने चुनावी प्रचार के लिए सितारों को जमीन पर उतार रहा है तो कोई अपने प्रचार के लिए सिंगर्स यानी कि गायक को बुला रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर्षित हो सके। और इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि ये जो चौथा चरण होने वाला है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो दमखम लगा रहे हैं अपना वो है रईस जादे। कई रईस होंगे इस चौथे चरण में जिनके नाम हम आपको बताएंगे। सबसे पहले नाम आता है छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सीएम कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ का। इनकी कुल संपत्ति की अगर बात करें तो 660 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर मध्य कांग्रेस उम्मीदवार प्रिया सुनील दत्त, जो कि सुनील दत्त की बेटी हैं, और इनकम टैक्स रिटर्न में 13 करोड़ की संपत्ति इन्होंने दिखाई है। जो दिखाया है वो 13 करोड़ की संपत्ति है। इसके अलावा प्रिया दत्त 10 रईस उम्मीदवारों को सूची में 96 करोड़ की कुल संपत्ति के साथ 8वें स्थान पर। इस चरण में 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है, जबकि राजस्थान के झालावाड़ जो सीट है वहां से निर्दलीय उम्मीदवार प्रिंस कुमार के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। ये ऐसे लोग हैं, कुछ लोगों की हमने आपको बात बताई कि उनके पास करोड़ों की संपत्ति है रईस जादे, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास की कोई संपत्ति नहीं, उन्होंने कुछ दिखाया ही नहीं है। अगर हम बात करें प्रिंस कुमार की तो इनके पास सिर्फ 500 रुपए हैं। ये जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि AGR ने अपनी रिपोर्ट में दी है। चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों के लिए 943 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से 928 उम्मीदवारों के लिए एफिडेविट की जांच की गई, जिनमें 210 यानी 23% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 158 या 17% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 306 यानी 33% उम्मीदवार करोड़पति हैं। चौथे चरण में सबसे ज्यादा आपराधिक मामले वाले 57% उम्मीदवार SHS पार्टी में हैं। इसके बाद 44 BJP और 32% कांग्रेस में हैं। इस तरीके से हम कहें कि चौथा जो चरण है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें आपने देखा कि जिनके रिकॉर्ड है आपराधिक वो भी शामिल हैं, जो रईस जादे हैं वो भी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये चौथा चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो चुनाव का हर चरण महत्वपूर्ण है, लेकिन इस चौथे चरण में आप देख रहे हैं कि तमाम जो दिग्गज है एक साथ चुनावी मैदान में नजर आएंगे। तो फिलहाल चौथे चरण में आप भी पहुंचिए और हमें भी उस दिन का इंतजार है। SPN9 न्यूज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।